भारतीय जनता पार्टी कल फलोदी में करेगी किसान सम्मेलन, रोड शो का भी आयोजन। प्रत्याशी गजन सिंह शेखावत, प्रदेश सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा व रिचपाल मिर्दा, मंत्री गजन सिंह खिवसर, विधायक प्रताप पुरी पोखरण के साथ सेगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में घमासान की स्थिति अब धीरे धीरे और बढ़ने लगी है। खासकर प्रथम चरण के मतदान नजदीक आने पर इन राजनीतिक पार्टियों के नेता अब लगातार जनसभाएं व रोड शो करने में लगे हैं। ऐसे में फलोदी जिला स्तरीय विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में किसानों को अधिक से अधिक संख्या में गांव ढाणियों से बुलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी। वहीं शहर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के क्रम में मतदान अधिक से अधिक करवाने के उद्देश्य को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, सेगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, पोकण विधायक महंत प्रताप पुरी महाराज व प्रदेश स्तरीय नेता प्रदेश के सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वे संबोधन के लिए लोगों के दिलों तक पहुंचने वाले रिचपाल मिर्धा के कल रोड शो में शामिल होने की बात पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सामने आ रही है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को और सभी सनातनियों को आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से ये निवेदन करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे लटियाल की पुण्य धरती फलोदी में लोकसभा क्षेत्र जोधपुर का किसान लाभार्थी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कल 18 तारीख को दोपहर 3 बजे आदर्श नगर फलोदी में इस भव्य आयोजन में हमारे बीच में प्रवेश साहिब सिंह जी वर्मा, सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, श्री रिचपाल सिंह जी मिर्दा सहित आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खिमसर, जोगाराम जी पटेल सहित हमारे संगठन के बड़े नेतागण हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और हम सबको मार्गदर्शन देंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में कल यहाँ पधारें और इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप सब लोग इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे संगठन के सारे बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता गण और सारे किसान भाई इस 18 तारीख को दोपहर 3 बजे के आयोजन में सभी उपस्थित रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।